श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। इस कपिल गीता में तत्व के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो बड़ी सरल है। पहले तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति इनके बारे में प्रारंभ किया कि पुरुष किसी भी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से प्रकट होवे तो पुरुष पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता, जैसे दाहिका शक्ति के कारण अग्नि कभी परेशान नहीं होता, इसी प्रकार से यह जो प्रकृति है इस प्रकृति के द्वारा पुरुष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे एक दो उदाहरण और ले लो, पानी का जो अस्तित्व लहर के रूप में है या समुद्र के रूप में है, तो जब लहर टूटती है तो पानी नहीं टूटता, और समुद्र में डूबने से पानी डरता नहीं। इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति, यह पुरुष प्रकृति के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। अब इसके बारे में केवल अपने आप को सावधानी से पहचानना है और कुछ नहीं। साधना माने सावधानी और कुछ नहीं। और इसलिए इसको बताने के लिए उन्होंने बताया पहले कि गड़बड़ी क्या है। गड़बड़ी यह है, यह जो पुरुष बिना किसी कारण से अपने आप को देह इत्यादि के साथ तादात्म्य करके कर्तृत्वाभिमानी मान लेता है और उसके कारण फिर इस जगत में सुख दुख का अनुभव करने लग जाता है। उसके पश्चात सवाल यह है, इससे निकलने का कोई उपयोग कोई उपाय है क्या? बोले हाँ जरूर है कि पहले अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए योग का जो अभ्यास है वो शरीर को तोड़ने मोड़ने के लिए नहीं, योग का अभ्यास अपने आप पर नियंत्रण रखने के लिए है। देखो एक हमारी सीडी है MP3, उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग योग थर्ड सीरीज, इसमें हमने कि जो पतंजलि योग दर्शन है बंबई में इसके लेक्चर दिए थे। तीन सेशन है, पहला दूसरा तीसरा। जो पहला है अंडरस्टैंडिंग योग, उसमें जो सबसे सूक्ष्म साधना है अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन के वृत्तियों का नियंत्रण किया जाता है जिसको योग कहते हैं। इस पर हमने 7 दिन बोले। पहली साधना अभ्यास वैराग्य, दूसरी जो स्टेज है उससे जो निम्न दर्जे के साधक है उनके लिए है क्रिया योग। क्रिया योग में बताया है कि वहां तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग, तो तपस्या स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसको क्रिया योग कहते हैं, ये दूसरे दर्जे के साधक के लिए। उसके बाद जो तीसरे दर्जे का साधक है, सबको सुनने को आ रहा है ना? हाँ आप पूछ रहे थे उसको, इसलिए मैंने कहा। हाँ तो यह जो तीसरे दर्जे के साधक है उसके लिए अष्टांग योग है। इसको जो उच्च दर्जे के साधक है उसके लिए केवल अभ्यास वैराग्य। ये बात भगवद गीता में भी भगवान बताते अर्जुन को, अभ्यास ही न तो कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते। फिर दूसरी स्टेज आती है जिसमें यह क्रिया योग है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, अब 3 आधार हो गए। अब उससे भी जो नीचे दर्जे के साधक है
उनके लिए अष्टांग योग है, आठ योग के अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इस अष्टांग योग की जब योगा योगा करके पूरे दुनिया में चर्चा चलती है तो उसमें यम और नियम इन दोनों को बायपास करके डायरेक्टली आसन में आ जाते हैं और आसन में भी आने के बाद केवल शरीर को तोड़ना मोड़ना यही सब समझ के बैठे हैं। देखो यदि मैंने ये पहचान लिया कि मैं जब आठवीं रोटी खाता हूं तो पेट भरता है, तो एक दिन मैंने सोचा मैं आठवीं रोटी पहले ही क्यों ना खा जाऊं। तो आठवीं रोटी कभी पहले खाई जाती क्या? नहीं, आठवीं रोटी में पेट भरने का सामर्थ्य पहले सात रोटी खाने के बाद आता है। इसी प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये आठ अंग होने के बाद सही यमः अपना मन पूर्ण नियंत्रण में आता है। लेकिन हम लोग यम नियम इन दोनों को बायपास करके सीधा आधे घंटे बैठ लिए बिल्कुल स्थिर होकर के तो बड़ा योगा हो गया। हमारे भारत में भैंसे घंटों बैठती है एक आसन में, क्योंकि योगा हो गया उनका। इसलिए यम नियम ये सभी अंग अपने साधना का एक महत्व का भाग है। इसके द्वारा क्या होगा कि व्यक्ति में यह क्षमता जागृत हो जाती है कि पुरुष और प्रकृति इनको हम अलग अलग पहचान सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमारी आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है लेकिन रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार से हमारा मन सभी प्रकार के वृत्तियों को आधार देता है लेकिन किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। एक स्टेप और आगे चले जाओ, उसी प्रकार से चेतन सत्ता जो है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों को आधार देती है लेकिन चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो यह जो चेतन सत्ता है उसी को भगवान कृष्ण कह लो, उसी को राधा जी कह लो और उसी को परम ब्रह्म परमात्मा कह लो, उसी को शिव बाबा भोले बाबा कह लो, नाम कुछ भी दो। और ऐसा जो साधक है मुक्त लिंगम सदा भासम असति प्रतिपद्यते सतो बंधुम असत चक्षु सर्व सर्वानुस्यूतमद्वयम्। फिर एक बार यह साधक अपने अद्वयम इस अद्वैत तत्व में एक बार निष्ठा प्राप्त कर ली तो फिर उसको ये स्पष्ट अनुभव होता है कि देह और देह के विकार इनका मैं प्रकाशक हूं, इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इंद्रिय और इंद्रियों के विकार इनका मैं प्रकाशक हूं, इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। मन और मन के विकार इनके द्वारा मैं प्रभावित नहीं होता, मैं इनका प्रकाशक हूं। इस प्रकार से केवल एक ही इस चेतन सत्ता के द्वारा यह सब कुछ द्वैत का प्रपंच प्रकाशित हो रहा है। इतना बताने के पश्चात अब बारहवें श्लोक से कपिल जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग प्रस्तापित करते हैं समझ जाने के लिए। यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थे नावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिविस्थितः। इन्फरेंस की बात कर रहे हैं यहां। जिस प्रकार से हमने समझो कहीं अपने कमरे में अंधेरे कमरे में दिन के समय लाइट तो था नहीं लेकिन एक कोने से कहीं बड़ा लाइट आया, तुम क्या कहेंगे? भाई कहां से रिफ्लेक्शन आ रहा, कहीं पानी भी नहीं गिरा है क्या, दर्पण है? तो वहां का जो प्रकाश है उसके द्वारा हम दर्पण में रहने वाले या पानी में रहने वाले सूर्य के प्रतिबिंब के तरफ पहुंच जाएंगे और सूर्य के प्रतिबिंब को पानी में देखने के बाद उस सूर्य के प्रतिबिंब के साथ लेकर के हम आकाश में लटकने वाला जो सूर्य है उसके पास पहुंचेंगे। ये उदाहरण हो गया। उसी प्रकार से एवं
त्रिवृत अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय ही स्वाभासे लक्षितो नेन सदाभासे न सत्यद्रुक। अब यही प्रक्रिया अब अपने इस परब्रह्म परमात्मा को पहचानने की है। तो क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से अहंकार ये तीनों के साथ तादात्म्य करके हो जाता है। एवं त्रिवृत अहंकार रहा, किसके साथ तादात्म्य किया? भूत माने देह, इंद्रिय माने इंद्रिय, मन माने मन। अब ये जो हमारा अहंकार है यह देह इंद्रिय और मन इनके साथ तादात्म्य कर लेता है और इसीलिए देह को लेकर के हम अहंकार के पास पहुंचते हैं, इंद्रियों को लेकर के हम अहंकार के पास पहुंचते हैं और मन को लेकर के हम अहंकार के पास पहुंचते हैं। तो पहली स्टेप क्या हो गई? पहली स्टेप ये हो गई कि अपने देह इंद्रिय मन इत्यादि है इससे हमको हटना है। देखो, और इससे हटने के लिए अब देह के साथ तादात्म्य किया। कैसे किया? मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। एक बार मुझे एक किसी लड़की ने ये किया, ग्रीटिंग कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसने मुझे पूछा था, स्वामी जी व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तो मैंने कहा 31 अप्रैल। तो उसने लिख दिया और फिर पता चला 31 अप्रैल के भी आती ही नहीं। फिर उसको बड़ा गुस्सा आया, फिर उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे वेन एवर इट इज। और नीचे लिख दिया, नाउ गेस हु एम आई। और फिर पते पर अपना नाम लिख दिया। तो देह को लिया तो जन्म मृत्यु ये सब का सब उसके साथ हो गया और इसीलिए मैं इतनी उम्र का हूं, मैं उतनी उम्र का हूं। तो जो देह है वो कभी नहीं कहता कि मैं इतनी उम्र का हूं, देहधारी जो है वो कहता है कि मैं जवान हूं, बूढ़ा हूं। इस प्रकार से देह को लेकर के देह तादात्म्य के कारण निर्माण होने वाला जो अहंकार है उसके पास पहली स्टेप है हमको पहुंचना है। अब देखो क्या हो जाता है, जहां हमने देह के साथ तादात्म्य किया उसी क्षण ये जगत निर्माण हो गया। देखो आज सुबह सुबह में बड़ा मजा आया, मेरे ये पैर में बहुत क्रैम्प आ गया, इतना जबरदस्त क्रैम्प आ गया सुबह ही कोई 2:30 बजे 3 बजे करीब में। आई कुड नॉट स्लीप, एक्सट्रीमली एक्सक्रूशिएटिंग पेन काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने उसको दबा करके ऐसा बैठा रहा और फिर मैंने कहा देखो ये तो सब देह में चल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और जैसा मैंने ये भाव धीरे धीरे शुरू कर दिया वह अपने आप सब शांत हो गया। यदि उसके साथ तादात्म्य करके बैठो तो और दुख होगा और परेशानी होगी। तो देह को लेकर के हम देह का जो अहंकार है मैं स्त्री मैं पुरुष इत्यादि उसके पास पहुंचेंगे। उसी प्रकार से इंद्रियों को लेकर के हम इंद्रिय का जो दूसरा अहंकार है उसके पास पहुंचते। कौन सा अहंकार है? आप सब जानते होंगे दक्षिण भारत में एक बहुत सुंदर गायिका है, उसका नाम है वाणी जयराम, हमसे उसका बड़ा प्रेम है और हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक बार हमने उसको कहा कि अम्मा ये मुझे बताओ तुम इतना अच्छा गाती हो तो तुमको क्या लगता है, क्योंकि आवाज तो तुमको अपनी है नहीं, भगवान की दी हुई है, तो तुम इतना अच्छी गाती हो तो तुमको क्या लगता है। जैसा मेरी ऐसा प्रश्न केवल आप ही पूछ सकते हैं, बाकी कोई नहीं पूछता। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे ये बात स्पष्ट मालूम है कि जो भी कुछ मेरा है वो सब प्रभु की देन है, उसको यदि याद रख करके चले तो व्यक्ति को अपने इंद्रियों के माध्यम से जो विशेषता प्राप्त होती है उसका अहंकार नहीं होगा। देखो ना, ये जो आर्टिस्ट होते हैं बहुत ही विम्जिकल होते हैं, कारण क्या है? वो अहंकार है और दूसरा कुछ नहीं।
एक बार एक स्कल्प्टर मरा, तो उसने मरने के पहले क्या किया कि जरा एक्सपेरिमेंट कर ले, तो अपने ही जैसे 10 स्टैचू बना लिए और उसमें 11वां स्वयं जाके बैठ गया। बोले जब मृत्यु आएगी तब देखते हैं कैसा मुझे पकड़ के ले जाते हैं, और वहां बैठ गया। यमदूत आए, कंफ्यूज हो गए, सभी जैसे ही है, कौन है इसमें से। तो फिर यमराज के पास चले गए कि देखो हम तो पहचान ही नहीं पा रहे कौन है रहे। बोले सिंपल बात है, चलो मैं तुमको बताता हूँ। यमराज आए और उन्होंने कहा आहा ये आर्टिस्ट कितना जबरदस्त है, धन्य है, इसके जैसा तो आर्टिस्ट कभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। एक एक स्टैचू एग्जैक्टली एक ही जैसा है, लेकिन इस स्टैचू में गलती है। जहां किसी स्टैचू में गलती की बात कही तो जो असली था वो गुस्सा कर गया, कहा है मुझे दिखाओ। बोले पकड़ो उसको। देखो अहंकार विमूढ़ात्मा, तो इंद्रिय के साथ अहंकार और फिर मन के साथ अहंकार। मन यदि दुखी है तो मैं दुखी, मन यदि प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न। तो हमको पहली स्टेप क्या लेनी है कि अपने इंद्रिय और देह और मन इनका आधार लेकर के इनका जो मालिक है अहंकार पहले उसके पास पहुंचना है। देखो, और जब हम अपने इस अहंकार को समझ लेंगे कि देखो हमने क्या अहंकार कर लिया कि मैं जवान हूं, माने मैंने एक देह के साथ तादात्म्य किया है। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म और सरल विचार है। देह के साथ तादात्म्य यह स्वाभाविक है, जैसे बल्ब में से लाइट निकलना स्वाभाविक है, लेकिन केवल यही बल्ब मैं हूं, दूसरा बल्ब मैं नहीं हूं, यहां से अहंकार प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से चेतना का देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त होना और उसके पश्चात देह के साथ तादात्म्य होना, यह एक सार्वजनिक सिद्धांत है। जैसे सभी के सभी आंखों से ही देखते हैं, कान से कोई नहीं देखता, उसी प्रकार से सभी के सभी देह के साथ तादात्म्य करते हैं। तो समस्या क्या है, केवल ये देह मैं हूं, ये समस्या है। और जब ये बात समझ में आती है कि सभी देह से मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं, तो अपने इस अहंकार का अपने आप त्याग हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये तीन प्रकार के जो अहंकार है, ये देह और अपने इंद्रिय और मन के द्वारा लक्षित किए जाते हैं। अब उसके बाद और आगे चलते हैं। भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनो बुद्ध्यादिषु इह निद्रयाम लीनेशु असति यहा तत्र विनिंद्रो निरहंक्रिया। फिर कहते हैं जब यह शुद्ध चेतन सत्ता है, इसने इसको कैसा समझना है कि यह चेतन सत्ता इन इंद्रिय इत्यादि के माध्यम में अहंकार के रूप में प्रकट हो रही है। अब देखो, यह अहंकार सुषुप्ति अवस्था में गायब हो गया, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में हमारा देह इंद्रिय और मन इन तीनों के साथ संबंध नहीं रहता। तो क्या हुआ, अब ये सिद्धांत बड़ा सिंपल है, जरा ध्यान से सुनना। हमने स्विच ऑन किया, लाइट आया, स्विच ऑफ किया, लाइट गया, फिर दूसरी बार ऑन किया, फिर लाइट आया, फिर ऑफ किया, लाइट गया, ऐसा आपने एन नंबर ऑफ टाइम्स किया। तो क्या ये जो एन नंबर ऑफ टाइम लाइट आए गए क्या वो वही लाइट था कि अलग था? देखो है ना प्रश्न, हम क्या कहेंगे, वही लाइट था, वही लाइट नहीं था। जो प्रारंभ हुआ, जो अंत हुआ, वो तो खत्म हो गया ना वहां। देखो, फिर दूसरा प्रारंभ हुआ, फिर खत्म हो गया। तो पहला लाइट और दूसरा लाइट, इनका कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं। पहले लाइट ने मंदिर को प्रकाशित किया था, दूसरे लाइट ने बाथरूम को प्रकाशित किया है,
देखो किसी प्रकार से पहले देह के साथ आध्यात्म्य किया, मैं देही हूं पैदा हुआ, फिर रात को सो गए, सो गए माने क्या, देह के साथ तादात्म्य खत्म, स्विच ऑफ। फिर दूसरे दिन फिर स्विच ऑन किया, फिर देह के साथ तादात्म्य हुआ, फिर दूसरा जागृत पुरुष पैदा हुआ, फिर स्विच ऑफ, फिर सो गए, तो जागृत पुरुष फिर खत्म हो गया। ध्यान से सुनना, इस प्रकार से प्रत्येक जागृत अनुभूति में जो जागृत पुरुष है वो नया नया पैदा होता है, वही नहीं होता हो। अन्यथा जैसे हम हजार बार सपना देखते हैं और हजार बार जगते हैं, तो जैसे हम अपने जागृत अवस्था का एक व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, वैसा कभी हमने अपने स्वप्नावस्था का व्यक्तित्व निर्माण किया है क्या? हर स्वप्न का स्वप्न पुरुष भिन्न होता है ना, इसी प्रकार से हर जागृत का जागृत पुरुष भिन्न होता है। इसको समझने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भैया वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो माने हम आज जो जगे है यह आज का मैं और कल का मैं, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अहंकार क्या है, जितने अभी तक मैं पैदा हुए इनको सबको इकट्ठा किया और चैतन्य के धागे से पिरोया और उस फूलों की एक माला बनाई और फूल बन गए कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं यहां पैदा हुआ, मैं वहां पैदा हुआ, फिर मैं वहां चला गया, फिर मैं यहां आ गया, और ऐसा करते करते अब आपके सामने आके बैठे। फिर क्या हुआ, जहां वर्तमान में आए सिनेमा खत्म। देखो, और इसीलिए जो हमारा मन है ये कभी भी वर्तमान में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वर्तमान में आने से मृत्यु होती है मन की। देखो भैया, और इसी के कारण लोगों को ध्यान के अभ्यास में डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। सपोज स्वामी जी, समझो हम ध्यान को लिए बैठे और कुछ हो गया तो होने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है, बिना ध्यान के भी तुम चेतन सत्ता हो, नहीं वो तो ठीक है, समझो मैं ऐसे उड़ने लग गया, लेविटेट होने लग गया तो क्या होगा, डिपेंड्स वेयर यू आर सिटिंग। यदि फैन के नीचे हो गए तो फैन खराब होगा। ये सब मानसिक कल्पना है, इसका कोई आधार नहीं। इसलिए यह जो अहंकार है देह के साथ पैदा हुआ, तादात्म्य खत्म, सुषुप्ति अवस्था में अहंकार गायब, इंद्रिय के साथ पैदा हुआ, इंद्रिय के साथ तादात्म्य, सुषुप्ति में वो गायब, मन के साथ पैदा हुआ और मन सुषुप्ति में लीन हो गया, अहंकार गायब। लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति देह अहंकार, इंद्रिय अहंकार और मन अहंकार के रूप में हो रही थी, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो बिजली नष्ट नहीं होती। देखो, यह जो नित्य उपलब्ध चेतन सत्ता है वह अपना स्वरूप है। कपिल भगवान ये बताते हैं और योगी लोग क्या कहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का जो संचय है, कर्माशय जिसको कहते हैं, इसके कारण ये जन्म हमको मिला है। माने एक बल्ब फ्यूज हो गया, इसमें से लाइट निकला, ढूंढ रहा था दूसरा कोई फ्यूज बल्ब है क्या, उसमें घुस गया। अभी होता है कैसा है? इसीलिए भैया इस चीज को समझ लो ना, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ना तो कभी हमारे गौड़पादाचार्य कहते हैं मांडुक्य कारिका के प्रथम अध्याय की टीका में, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो कुछ पैदा हुआ है, ना तो कोई मरता है, ना तो कोई बंधन में है, ना तो कोई मुक्त हुआ है,
ना तो कोई कुछ चाह रहा है ना तो कोई ना चाह रहा है, यही सत्य है। इसी सत्य को भक्ति की भाषा में कहते हैं ये सब भगवान की लीला है। भगवान की लीलाएं माने सब होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, नाटक ऐसा ही होता है ना, सब कुछ हो रहा है स्टेज पर, कुछ हो रहा है क्या, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वहां एक दूसरे को मारता है लेकिन मारने वाला मारता नहीं और मरने वाला मरता नहीं। एक आकर के दूसरे से कहता है कि हनी डार्लिंग आई लव यू, लेकिन वो लव नहीं करता। देखो इसी प्रकार से चाहे आप भक्ति का सिद्धांत ले लो चाहे वेदांत का सिद्धांत ले लो, दोनों का प्रतिपादन एक ही तत्व का, एक ही तत्व की बात कर रहा है। लेकिन जब ये बात मालूम नहीं होती तो झगड़े में लगे रहते हैं, ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति वाले कहेंगे ये ज्ञानी बकवास होते हैं, और ज्ञानी कहेंगे भक्त लोगों को कुछ अकल नहीं होती इसीलिए रोते रहते हैं। देखो उभौ तौ न विजानी था, दोनों को समझ में नहीं आ रही बात। तो यह जो अपना चेतन सत्ता स्वरूप है इसको जब हम समझ लेते हैं कि इंद्रिय और बुद्धि और आदर देह और मन इनके साथ तादात्म्य करके अहंकार पैदा होता है, जैसे तादात्म्य छूटा अहंकार गायब। तो हमारा ध्यान अब कैसे हुआ, पहले हम फंसे थे देह इंद्रिय मन में, वहां से निकलने के लिए कहां गए, ये देह मन और इंद्रिय इसके साथ जो अहंकार है उसमें पहुंच गए, और फिर उस अहंकार का विश्लेषण किया तो क्या पता चला कि यह अहंकार एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही आदमी जब पत्नी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो पति, जब बाप के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो पुत्र, और जब पुत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो बाप, है तो एक ही। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता देह के तादात्म्य के कारण देह भाव को प्राप्त हो गई और अपने को देह मानने लग गई, इंद्रिय के साथ तादात्म्य किया और इंद्रियवान, मन के साथ तादात्म्य किया और सुखी दुखी। देखो इस तत्व को हमको केवल पहचानना है, करना कुछ नहीं, आध्यात्मिक साधना कुछ करना नहीं है। इट इज ऑल अनडूइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग। इट इज अनबिकमिंग, नॉट बिकमिंग एनीथिंग। देखो पहले हम भोगी थे, अब हम योगी हो गए। पहले मैं नॉन वेजिटेरियन खाता था, अब केवल घास खाता। देखो पहले मैं मंदिर में कभी नहीं जाता था, आजकल मंदिर से निकलता ही नहीं जब तक धक्के नहीं मार के। समस्या ना तो सिनेमा हॉल की है ना तो मंदिर की है, समस्या है मैं की। और इस मैं को हम नष्ट नहीं करना चाहते। देखो इसीलिए ये जब समझ स्पष्ट हो जाएगी ना तब साधना करनी नहीं पड़ती। देखो इसीलिए जैसा कहते हैं ना प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, उसी प्रकार से ध्यान किया नहीं जाता हो जाता है। ध्यान करते नहीं ध्यान देते हैं, ध्यान में रहना है। अच्छा मन्यमाना तदात्मानम अनष्टः नष्ट वन्मृषा नष्टे हंकरणे द्रष्टा नष्ट वित्त इवातुरहा। अब यह जो जीव है अहंकार है ये जब गहरी नींद में चले जाता है तो अपने आप को सोचता है कि अरे मैं तो मर गया। इसके बारे में आपको एक अनुभव बताता हूं। मैं किसी के यहां था, हरियाणा की बात है, और वहां आज जिनके घर में रहता था एक बूढ़ी अम्मा थी, दादी या पड़दादी कोई तो भी थी, और वो सुबह उठती थी और उठने के बाद वो उसका जो पोता या पड़पोता था आकर के उसे हिलाता था, नारी दादी उठो ना आप कब तक सोती रहोगी। वो उठती थी, बेटा जग गए तो अच्छा जाओ भगवान को प्रणाम करो और स्कूल में जाओ। वो रोज उनका नियम था।
एक दिन के बाद हम थे वहां, तो जैसे ये आया लड़का दादी को उठाने लगा, तो दादी उधर से इधर हो गई क्योंकि उसने खींचा। खींचने के बाद उसकी जो डेंचर थे वो बाहर आ गए। फिर वो कहता है, दादी तुम्हारे दांत बाहर आ गए, अंदर करो। वो काहे के अंदर कर रही। फिर वो गया, अपने पिताजी को उठाया कि देखो दादी क्या कर रही। उन्होंने देख लिया कि वो मर गई है। तो फिर उसको बताया कि देखो अब वो नहीं रही, अब उसको सब क्रियाकर्म किया। उसके बाद बच्चे को नींद ही नहीं, वो डर गया, दादी नींद में मरी थी, मैं सोऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखो फिर मैंने उसको सुलाया, उसको समझा करके, देख अभी मैं खाना खाता हूँ ना, खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूँ, तू देख लेना मैं उठता हूँ कि नहीं। तो बोले नहीं नहीं मत सुना स्वामी जी, मत सुना, देखो दादी मर गई थी। कोई बात नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं अभी तो यही है, जो जीव है अपने मृत्यु से डरता है। जैसे पानी की बूंद जब समुन्द्र में पड़ेगी तो डरती है, काहे का डर है कि मेरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा, लेकिन पूर्णत्व की उपलब्धि होगी, ये मां समझ में नहीं आती। देखो इसलिए कि यह जो है जीव गहरी नींद में जब अपने आप को देखता है कि गहरी नींद में है ही नहीं, तो वो सोचता है कि अब तो मैं मर गया हूं, अब मेरा क्या होगा। और इस प्रकार से यह जीव गहरी नींद से फिर बाहर आकर के ये जगत का सिनेमा शुरू हो जाता है। तो ये सिद्धांत भगवान कपिल जी ने अपनी मां को बताया। एवं प्रत्यवमृषासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहूकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानमनुग्रहः। तो एवं इस प्रकार से असौ अवमर्ष अवमृष्य, अब इसके ऊपर में चिंतन करना है कि हे मां, इस प्रकार से यदि तुम चिंतन करोगी, किस पर? दो प्रकार के तत्व है, एक है चेतन सत्ता और दूसरा है जीव या अहंकार। अब तीन स्टेजेस आ गए। पहली, हम अपने को देह मान करके रहते हैं। दूसरी, हम अपने को जीव मान करके रहते हैं। और तीसरी, हमारी असलियत चेतन सत्ता है। तो पहली साधना क्या होगी? देहात्म भाव से अपने आप को छुटकारा देना है। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में यदि हम इसका अभ्यास करें कि यदि मैं देह नहीं हूं तो इसका मतलब क्या है, ध्यान का ये चिंतन करो। आप एक जगह बैठे खामो खाम परेशान मत होना कि आप पकड़ लिया और कॉन्सेंट्रेट कर रहे और कुछ तो भी ऊपर जा रहा है और मुझे कुछ कैसा कैसा हो रहा है, ये सब देह के साथ और तादात्म्य हो जाएगा। देखो इसीलिए साधना ये है कि यदि हम देह से व्यतिरिक्त रह सकते हैं, जैसे गहरी नींद में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता फिर भी हम जिंदा रहते हैं ना, हमारा अभाव हमने कभी अनुभव नहीं किया है। तो पहली साधना ये होगी, जब आप ध्यान के लिए बैठो तो इसका चिंतन करो, यदि मैं देह से अन्य हूं का इसका तात्पर्य क्या है। जैसे यदि मैं इस पुस्तक से अन्य हूं तो इसका तात्पर्य क्या है, पुस्तक के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं है। तो देह के गुणधर्म क्या है, ये मां की गर्भ में होता है, फिर पैदा होता है, फिर खड़ा बढ़ता है, फिर चौड़ा बढ़ता है, फिर उसमें विकार आते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, एक दिन मर जाता है। और यदि मैं देह से अन्य हूं तो ये सब मेरा तमाशा नहीं है। दूसरी, देह को लेकर ही लिंग भेद है, स्त्री है पुरुष है। यदि मैं देह से अन्य हूं तो मुझ में कोई लिंग भेद नहीं है। तीसरी बात, देह को आकार विशेष है। यदि मैं देह से अन्य हूं तो मेरा कोई आकार विशेष नहीं है।
यह निराकार निर्गुण चेतन सत्ता अपना स्वरूप है। आज जब हम बैठे थे सुबह तो बड़ा सुंदर विचार प्राप्त हुआ, हम इस बिजली के प्रकाश को लेकर के बिजली कैसी दिखती है ये देखने का कितना भी प्रयत्न करें तो हमको बिजली दिखेगी क्या? देखो, इसी प्रकार से हम आंखों से दुनिया को देखते हैं, उस आंखों से आंखें भी नहीं दिखती, तो उस आंखों से मन कैसा दिखेगा? उसी प्रकार से मन से हम दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, मन अपना भी चिंतन नहीं कर सकता। यही सिद्धांत रमण महर्षि बताते हैं, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात। जब मन क्या है इसका अनुसंधान करते हैं तो मन गायब हो जाता है। तो जो मन अपने को नहीं पहचानता वो परमात्मा को क्या पहचानेगा? और इसी के कारण मन में परमात्मा के बारे में कोई भी विचार नहीं आते। विचार करने के लिए मन की आवश्यकता है कि कोई अन्य हो। आंखों को यदि देखना है तो आंखें से कोई अन्य चाहिए। देखो, इसीलिए एवं इस प्रकार से चिंतन करते जाए तो धीरे धीरे हम देहात्म भाव से निवृत्त होने लगेंगे। ध्यान से सुनना, यदि हम देहात्म भाव से निवृत्त हो रहे हैं इसके लक्षण क्या है? देखो, जैसे किसी को कुछ बीमारी हो गई तो इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण अमुक अमुक है। इसी प्रकार से देहात्म भाव से यदि हम निवृत्त होने लगे तो उसके लक्षण क्या है? देह को लेकर के जागृत अवस्था होती है, देह को लेकर के रिश्ते नाते होते हैं, देह को लेकर के हानि लाभ होता है। तो ये सब की सब बातें अब हम पर प्रभाव डालना बंद करेगी। इसी को कहते हैं वैराग्य। वैराग्य माने छोड़ छाड़ करके कहीं जाना नहीं। छोड़ छाड़ करके जाओगे तो सवाल यह है ना कि तुम्हारा क्या था कि जो तुम अपना कहते हो देह से लेकर के। तो ये समझदारी जो है उसको वैराग्य कहते हैं। नहीं तो हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे और एक टांग पर खड़े रहेंगे और कंफर्टेबल नहीं सोएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो, समझदारी बुद्धो शरण मन्विच्छ रुपण फल हेतव। भगवान कहते हैं सबसे महत्व की बात है जीवन में समझदारी बननी चाहिए। तो इस प्रकार से हे मेरी माँ, यह सब समझ लो कि ये जो जीव इत्यादि है यह तो टेम्पररी है। ये समझाने की प्रक्रिया है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप लोगों ने ये किया होगा अपने स्कूल में, जैसे उदाहरण देते हैं, चार बर्तनों में दूध है, एक बर्तन में है 10 किलो, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40। पहले बर्तन में 5% फैट है, दूसरे में 6% है, तीसरे में 7% है, चौथे में 8% है। ये सब का सब दूध मिला दिया तो एवरेज फैट परसेंटेज कितना होगा? तो हम क्या कहेंगे? सपोज द एवरेज फैट परसेंटेज इज X%, इज इट नॉट? और करके उसको सबमिट कर दिया पेपर, तो मिलेंगे क्या मार्क? उस एक्स की वैल्यू हमको एस्टेब्लिश करनी पड़ती है ना। इसी प्रकार से देह को मैं मानने वाला ये जो अहंकार है, जीव है, ये जीव कौन है, इसका इंक्वायरी करो। देखो, योग में, धर्म में, भक्ति में ये जीव की इंक्वायरी नहीं करती। तो जहां हम ये जीव की इंक्वायरी करेंगे कि जीव जीव नाम की वस्तु है क्या, तो पता चलेगा। जैसे एक एक्टर
भिन्न भिन्न स्टेज पर जाकर के भिन्न भिन्न रोल करता है, लेकिन इसके द्वारा उसका कुछ बिगड़ता नहीं। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता भिन्न भिन्न उपाधियों से अभिव्यक्त होकर के भिन्न भिन्न रोल कर रही है, उसमें कहां मैं को स्थान है। एवं इस प्रकार से जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे तो धीरे धीरे हम इस कार्य कारण जगत के परे चले जाएंगे। देखो, इंटेलिजेंट आदमी बड़े इंटेलिजेंटली दुखी होते हैं। वो हमेशा यही विचार करते हैं कि अंडर दिस कंडीशंस एनीबडी विल बी मिजरेबल। कारण क्या? कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज द इंसिग्निया ऑफ इंटेलिजेंस, बट इट इज द बॉन्डेज ऑफ इंटेलिजेंस। द ट्रूथ इज बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट, और इसीलिए कार्य कारण के परे चले जाना यही परमात्मा की उपलब्धि है। देखो, और यही बात भगवान सातवें अध्याय में बताते हैं, योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तच्छृणु। तुमने जो योगाभ्यास इत्यादि किया है, अब उसके बाद अब चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? प्रकृति और पुरुष अलग अलग है। प्रकृति दो प्रकार की है। पहली है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी अष्टधा आठ प्रकार की भिन्न प्रकृति है, जिसमें पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार है। उसके पश्चात इससे जो अन्य प्रकृति, उसको कहते हैं परा प्रकृति, और वो है जीव भूता महाबाहो यया इदम जगत धार्यते। ये जो जीव है ये दूसरी प्रकृति है, और भगवान क्या कहते हैं, जो अपरा प्रकृति है पंच महाभूत मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि, ये अष्टधा है, आठ प्रकार की है, लेकिन जीव भूता प्रकृति एक प्रकार की है। कारण क्या? कि ये एक ही सिद्धांत है। देखो, जैसे बल इत्यादि अनेक है, लेकिन उसमें जो सिद्धांत है एक ही है। सिद्धांत अलग अलग नहीं है प्रत्येक बल्ब में, और ये जो प्रकाश निकलता है इसी के कारण बल्ब का महत्व है। इसी प्रकार से जीव के कारण ही ये संसार चल रहा है। जहां ये जीव को हमने स्पष्ट सिद्धांत के रूप में समझ लिया, उसके बाद तीसरी बात आती है। भगवान कहते हैं यह जो जगत और जीव है, इनका नियंत्रण करने वाला, इनका जो मालिक है वो है ईश्वर। और फिर चौथी बात आती है कि यह जीव जगत ईश्वर, ये तीनों के तीनों एक चेतन सत्ता में है, और इसीलिए मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम, मेरा कोई कारण नहीं है। मत्तः अन्यत्, मेरे जैसा कोई नहीं है। मत्तः किंचित, मेरे से कोई कार्य नहीं है। तो ये सभी के सभी मुझ में केवल वैसे ही है, जैसे सोने के धागे में सोने के मणियों को पिरो करके एक माला बनाई है तो हम कहेंगे धागा आधार है और मणि आधेय है, लेकिन है तो सोना ही। इसी प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा जीव जगत ईश्वर इस अनेकता में प्रकट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो एक अद्वितीयत्व की स्थिति है उसमें कोई हानि नहीं है। इस प्रकार से तत्व को समझ लेना है। इसमें मैं तू को कहीं स्थान नहीं। और इस प्रकार से धीरे 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 इस सापेक्षता के जगत से हम अपने आप को मुक्त कर लेंगे। सापेक्षता माने रिलेटिविटी। सापेक्षता संसार है, निरपेक्षता परमात्मा है। निरपेक्षता माने एब्सोल्यूट। इन एब्सोल्यूट नथिंग कैन बी एडेड, नथिंग कैन बी टेकन अवे। प्लस माइनस एनीथिंग इन द इन्फिनिट कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। इसीलिए हमारे कठोपनिषद में आता है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गति।
जब हमारे इंद्रिय अपने स्थान में रहते हैं, विषयों में नहीं भागते, मनसास मन भी विषयों का चिंतन नहीं करता, बुद्धिश्च न विशेषते और बुद्धि में भी अहंकार पैदा नहीं होता, यह जो स्थिति है उसी को कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। परमात्मा की उपलब्धि जब तक के आत्म रूप से नहीं होती तब तक के हम भगवान से डरते रहेंगे। तो ये कहने के पश्चात अब देवहूति जी अपने पुत्र से प्रश्न करती है। देवहूति उवाच, क्या कहती है देवहूति जी? कहती है पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्म न विमुच्यन्ति कहिचित अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वात् अनयोः प्रभो। देवदी जी कहते हैं कि देखो, पुरुष और प्रकृति माने चेतन सत्ता और यह जो जगत है जड़ प्रकृति, ये दोनों तो हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। देखो उदाहरण देती है अगले इसमें, क्या कहती है? यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। उसी प्रकार से जैसे कि पृथ्वी और गंध, रस और पानी एक दूसरे से अलग होकर के नहीं रह सकते, इसी प्रकार से पुरुष प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। देखो, क्या हम उष्णता का ज्ञान अग्नि के संदर्भ के सिवा प्राप्त कर सकते हैं? जहां हम गर्मी की बात करेंगे, उष्णता की बात करेंगे, अग्नि अपने आप आएगा। इसी प्रकार से पुरुष प्रकृति तो हमेशा साथ में रहते हैं, तो इनसे अलग होना या इनको अलग करना, तो ये तो एकदम असंभव ही लगता है। और इसीलिए अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाशयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेषु अतः कथम्। फिर वो प्रश्न कहते हैं, और इसीलिए ये जो कर्म का जो बंधन है यह पुरुष के लिए हमेशा बना रहेगा, क्योंकि पुरुष हमेशा प्रकृति में ही रहता है, बिना प्रकृति के पुरुष का कोई मतलब ही नहीं। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है संत ज्ञानेश्वर का लिखा हुआ अमृतानुभव, उस पर हमने बड़ी मोटी कॉमेंट्री लिखी है 900 पेज की, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उसमें प्रथम अध्याय है, उसमें कहते शिव शक्ति समावेश। उसमें शिव और शक्ति, शैव कहेंगे, राधा और कृष्ण ये वैष्णव कहेंगे, राम और सीता भगवान राम के भक्त कहेंगे, लक्ष्मी और नारायण ये भगवान विष्णु के भक्त कहेंगे, बात एक ही है। उसमें कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि प्रकृति माने कौन? गौरी या पार्वती जी, और पुरुष माने कौन? शिव जी। तो पार्वती जी ने देखा कि मेरे पति कैसे है, अनकल्चर्ड है, कोई कल्चर ही थी इनमें, नंगा धड़ंग रहते हैं, कभी कपड़े ठीक से नहीं पहनते, सब राख इकट्ठी करके रखी है, कोई मुझे बड़ा अटपटा लगता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पति को रिझाने के लिए उनके साथ संपर्क किया और एक अपत्य की निर्मिति की, जगत का निर्माण किया। जब जगत का निर्माण होगा तो ये जो नंग धड़ंग बाबा जी है ये बाप बनेगा तो शरीफ बनेगा। आप लोगों को पता है ना, जब तक के लड़का लड़का होता है, पति पति होता है, तो भिन्न होता है। जैसे बच्चा पैदा हो गया तो इमीडिएटली हस्बैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फादर एंड स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली। ये विचार करके पार्वती जी ने कहा कि चलो एक बच्चा पैदा करते हैं, और उन्होंने नाम रूपात्मक यह जगत रूपी बच्चा पैदा किया। तो शिव जी के ऊपर में अब नाम रूप के कपड़े पहनाए। देखो, तो नाम रूप का जो आधार है वह है चेतन सत्ता,
और नाम रूप किसने पैदा किए हैं? प्रकृति ने पैदा किए हैं। देखो पानी में ये क्षमता कि पानी समुद्र के रूप में अभिव्यक्त हो सके या लहर के रूप में अभिव्यक्त हो सके, लेकिन पानी की ये जो क्षमता है किस पर कार्य करेगी? पानी में तो पानी की सेवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये पानी की क्षमता, ये जो पोटेंशियलिटी है, पानी पर ही कार्य करेगी। कैसे कार्य करेगी? अब पानी रहने लग गया समुद्र और लहरों के रूप में, जहां पानी समुद्र लहरों के रूप में रहने लग गया तो तुरंत वहां समुद्र बन गया कारण और लहरें बन गई कार्य और ये संसार निर्माण हो गया। लेकिन जब हम लहरों को स्पर्श करते हैं तो पानी को ही स्पर्श करते हैं, या समुद्र में कूदते हैं तो पानी में ही कूदते हैं। तो कारण और कार्य, समुद्र और लहरें, ये क्या है? ये केवल नाम मात्र है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से जिसको हम जगत कहते हैं यह असल में परब्रह्म परमात्मा ही है, जिसको हम जीव कहते हैं यह असल में परब्रह्म परमात्मा ही है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं असल में परब्रह्म परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा में यह जीव जगत ईश्वर ये खेल वो प्रभु अपने माया से खेल रहा है। देखो तो फिर ये तो नाटक कभी खत्म ही नहीं होगा। अकर्तुहु कर्मबंधो यम पुरुषस्य यराश्रयः, तो ये जो कर्म का बंधन पुरुष के लिए माने जीव के लिए है, ये तो इस प्रकृति के साथ रहने के कारण है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। और ये खत्म नहीं है क्यों होगा? क्योंकि गुणेशु सत्सु प्रकृते है, प्रकृति के तीन गुण तो बने ही रहेंगे, जड़ और क्रिया और ज्ञान, और इसीलिए तेषु कथम कैवल्यम, फिर ये पुरुष कैवल्य को कैसे प्राप्त हो सकता है? कैवल्य माने ये टेक्निकल शब्द है, जिसमें तीन प्रकार के भेद नहीं होते उसको कैवल्य कहते हैं। कौन से तीन प्रकार के भेद? पहला भेद ये है कि जैसे पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे से भिन्न भिन्न जाति है, इसको कहते विजातीय भेद। फिर दूसरे है सजातीय भेद। सजातीय भेद क्या है? सभी के सभी पेड़ पौधे हैं, लेकिन एक पेड़ आम का है, दूसरा नारियल का है, तीसरा इमली का है, तो ये हो गया सजातीय भेद। और तीसरा भेद है पेड़ एक ही है, अनेक नहीं है, लेकिन एक ही पेड़ में कुछ है मूल है और कुछ है तना, कुछ है डालिया, कुछ है उसमें पत्ते और कुछ है उसमें फूल और कुछ है वहां फल। तो एक ही पेड़ में जो अनेक भेद है इसको कहते हैं स्वगत भेद। कैवल्य माने जिसमें ये तीनों प्रकार के भेद नहीं होते। कौन से भेद है? पहला भेद है जड़ चेतन का भेद, दूसरा भेद है चेतन चेतन का भेद, अनेक जीव है, ये पुण्यात्मा ये पापात्मा। तीसरा भेद है ईश्वर जगत का भेद, ईश्वर है निर्माण करने वाला और जगत है निर्मित। ये सभी के सभी भेद जिसमें नहीं होते वह कैवल्य एकमेवाद्वितीय परब्रह्म परमात्मा। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल अपने आप की जो आइडेंटिटी है उसको ठीक करना है। देखो जैसे सुवर्ण आभूषणों के रूप में रहता है, लेकिन आभूषणों को यदि गला दिया जाए तो सुवर्ण नष्ट नहीं होता, सुवर्ण ज्यों का त्यों रहता है। ये समझने के लिए प्रत्येक आभूषणों को गलाने की जरूरत नहीं है। हमको तो यही बताया कि जब तक जैसे आप आभूषणों को गला दो तो सुवर्ण रहता है, इसलिए ला सबको गला दे, कोई जरूरत नहीं, उनको रहने दो, सिर्फ समझ अपनी ठीक करनी है। इसी प्रकार से यह जो जीव जगत ईश्वर इत्यादि भेद है इससे कोई नुकसान नहीं है, यह अपने स्थान पर ठीक है,
अपना ध्यान होना है कि हमारा ध्यान कहाँ है, कहीं नाम रूप में तो नहीं फंसे हैं, कहीं अहंकार में तो नहीं फंसे हैं, कहीं भगवान को हमने अपने से अन्य तो नहीं कर दिया है। देखो आजकल हमारे यहां के बच्चे महाभारत देख रहे हैं और उसमें द्रौपदी जी का प्रसंग आता है कि वो दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा है और वो परेशान हो रही है और बड़ा प्रयत्न करती है पकड़ के रखने की, और फिर आखिर में वो प्रयत्न छोड़ देती है कि हे भगवान हे गोविंद आ जाओ, और भगवान वहां वस्त्रावतार दे करके प्रकट हो जाते हैं। अभी हम कहानी सुन लेते देख लेते लेकिन उसे समझते नहीं। जब तक के प्रयत्न है तब तक के जीव भाव है। जहां उसने प्रयत्न छोड़ दिया परमात्मा प्रकट हो गए। यही बात योग शास्त्र कहता है, स्थिर सुखम आसनम। आसन माने क्या? नित्य सहज प्रसन्न रहना। और उसके लिए साधना क्या है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान। प्रयत्न शैथिल्य, किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं, अपने जीवन में सहजता से रहना है। लेकिन हमारी समस्या यही है, हम सबसे अलग होकर के रहना चाहते हैं। जीवन में जितने ज्यादा प्रयत्न होते हैं उतने हम अपने स्वास्थ्य से दूर चले जाते हैं। जैसे देखो जिस व्यक्ति को सुनने को ऊंचा आता है तो उसको सुनने के लिए बड़े प्रयत्न करना पड़ता है, क्या बोला है? और फिर प्रयत्न करके करके थक जाता है। अच्छा स्वामी जी आपने बड़ा अच्छा बोला, क्या बोला? वो मत पूछो, अच्छा बोला बोल दिया। कारण क्या है? थक गए थे। जहां प्रयत्न है वहां थकावट है, जहां प्रयत्न नहीं है वहां आनंद है। देखो हम जो जीवन में थकते हैं ना, इसी के कारण हम कुछ ना कुछ बनते हैं। बनो मत कुछ, यही साधना है। वही जब नहीं होता तो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं और दबा रहे, पता नहीं क्या हो रहा। मुझे लगता है सुबह सुबह मैंने किसका पता नहीं किसका मुंह देखा था। सुबह में उठ करके तुम आईने के सामने खड़ी थी और बाप रे मेरा ही मुंह देखा था। हां जी ठीक 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 करते हैं। जहां आप इस सिद्धांत को पकड़ लो, जीवन में सहजता आनी चाहिए। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। हम यही करते हैं, हम ये सिद्ध कराना चाहते हैं दुनिया के सामने कि हम अच्छे हैं। हु केयर्स वेदर यू आर अच्छा बुरा। देखो जितना जीवन में सहजता का भाव रहेगा उतने हम प्रभु के पास रहे, अन्यथा पूरा जीवन इसी में लग जाता है। तो गुणेशु सत्सु प्रकृते ही कैवल्यंतेषु अतः कथम। तो क्वचित तत्वावमर्शेन निवृत्तम भयमुल्पणम अनिवृत्ति निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। आगे कहती है विभूति जी कि क्वचित तत्वावमर्शेन निवृत्तम भयमुल्पणम। कई बार जब हम अनेक बार सत्संग सुने सुने ना, तो थोड़े समय के लिए तो ठीक लगता है कि हाँ एकदम ठीक बात है। इंद्रियां तो अपना कार्य कर रहे हैं, मन अपना कार्य कर रहा है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? बड़ा क्लियर हो जाता है, वेरी क्लियर यू नो। लेकिन स्वामी जी क्या हो जाता है ना, सत्संग खत्म होने के बाद जैसा हम जूता पहन करके निकल जाते हैं ना, तो फिर वही तमाकू वही चूना रगड़ रहे खा रहे, ऐसा क्यों होता है? अरे भैया तुमने कहा ना जूता पहनते हैं तो जूता पहनना छोड़ दो। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में लोग अपना जूता छोड़ करके नया जूता लेके जाते हैं। जूते के साथ ईगो होता है। आप किसी दूसरे का जूता पहनो ना तो तुरंत पता लगता है ना, देखने की जरूरत नहीं, अरे ये मेरा नहीं है।
इसका कारण क्या है? कारण यही है, ये जो तत्व का चिंतन है इसका प्रभाव थोड़ी देर तक रहता है और उसके बाद अनिवृत्ति निमित्तत्वान पुनः प्रत्यवतिष्ठते। और फिर जैसा थोड़ा सा मौका मिला फिर अपना ओरिजिनलिटी बाहर आ जाती है। एक बार एक दादाजी चले गए हरिद्वार, तो उनके बच्चों ने पूछा, पोतों ने, मम्मी मम्मी अपने दादाजी चले गए हरिद्वार काहे के लिए गए, क्या करेंगे वो? तो वहां भगवान के दर्शन के लिए गए और वहां से जब आए थे ना तो कुछ छोड़ के आते हैं। बोले वो तो हमेशा छोड़ दिए, कहीं चप्पल छोड़ दी, कहीं चश्मा छोड़ दे। बोले नहीं, कुछ और भी छोड़ के आते। दादाजी वापस आ गए तो बच्चे ज्यादा एक्साइटेड, दादाजी दादाजी मम्मी ने कहा था कि आप जाएंगे कुछ छोड़ के, क्या छोड़ के आए? तो बोले देखो बेटा मैं गया, मैं वहां गुस्सा छोड़ के आया। अब बच्चों को मजा ही मजा आया, और क्या। दादाजी वहां गए थे आप क्या छोड़ के आए? मैं वहां गुस्सा छोड़ के आया हूँ। दादाजी आप वहां गए थे ना तो क्या छोड़ के आए? उनका हर एक प्रश्न बड़ा इंस्पायर्ड होता। हम वहां गुस्सा छोड़ के आए, क्या छोड़ के आए? गुस्सा। क्या कहा ना गुस्सा छोड़ के आए करके? जैसा मौका आया गुस्सा फिर बाहर आने लग गया। देखो यही संसार है और कुछ नहीं। इसीलिए फिर वो आ जाता है, तो जैसे ये प्रकृति और पुरुष, उनके साथ हम कितना भी कहे कि ठीक है मैं देह नहीं हूं, अरे बाप रे यहां बड़ा दर्द हो रहा, देह काय का नहीं हूं, देह तो हूं है ना, तो ये कैसे हो सकता है? आप इसका उत्तर भगवान कबीर जी देते हैं 21वें श्लोक से लेकर के इस अध्याय के अंतिम तक। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्म स्वधर्मेण मलात्मनाम युवरया मय भक्त्या च श्रुत संवृतया चिरम ज्ञानेन दृष्टतत्वेन वैरागेन बलीयसाम तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशम तिरो भवित्री शनकैहि अग्नेयोर्निवारणी भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्या शुभम धत्ते स्वे महिम नासी तस्य च। यदा ह्य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य नवैमोहाय कल्पते एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयिमानसं युञ्जतो नापकृतः आत्मा रामस्य करिचित्। यहाँ तक उन्होंने बताई है प्रक्रिया, क्या साधना करनी है कि जिस साधना के द्वारा हम इस पुरुष और प्रकृति को अलग रख करके फिर इस प्रकृति के द्वारा जीवन में प्रभावित नहीं होंगे, और यही साधना है। तो साधना क्या हो गई? भगवान मेरा बच्चा जो है ना पढ़ाई नहीं करता, उसको ठीक से पढ़ाई करवा दो, मास्टर है क्या भगवान? साधना यही है कि हम इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जावे। तो लक्ष्य जब स्पष्ट होता है ना तो मार्ग ठीक दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब टैक्सी में पैसेंजर नहीं होता तो टैक्सी वाले कैसे चलाते? धीरे धीरे चलाएंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे। और यदि टैक्सी में पैसेंजर हो तो बूम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लक्ष्य स्पष्ट है। हमारी साधना आगे बढ़ती क्यों नहीं? क्योंकि हमको लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। हमको लगता है लक्ष्य क्या है? बस एक माला पूरी कर लो, अरे राम अरे राम 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 अरे अरे खत्म। ये लक्ष्य नहीं है, ये बोझा है। लक्ष्य ये है कि हमें इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना है, ये लक्ष्य है। प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना यही साधना है। हम तो सच्चिदानंद स्वरूप है ही, कुछ करना थोड़ी है। इसीलिए जब ये स्पष्ट हो जाएगा साधना का तात्पर्य, जगत के विषय वस्तु इनसे हमको स्वातंत्र्य प्राप्त करना है, तब हम साधना कर रहे हैं। अपने मन के खेल को पहचानना है,
उसको साधना कहते हैं। हम आपको एक उदाहरण दें, अटैचमेंट किसको कहते हैं, ये हमने एक जगह सीखा। जहां हमको रहने का मौका आया वहां इतना भयानक स्थान था, जिस कमरे में हमको रहना था, बहुत पुरानी बात है 30-35 साल पहले की, चारों तरफ से पुस्तकें पुस्तकें थी रखी हुई शेल्फ पर, और बीच में एक खटिया पर मुझे सोना है, और खटिया भी ऐसी थी बाबा आदम के जमाने की, टर्न करो तो कर 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 कर, इधर करो तो अरे, और सभी पुस्तकों पर एक एक दो दो इंच मिट्टी जमी हुई थी। तो मुझे साफ सफाई का वैसे ही रोग है, तो मैंने सोचा इसको साफ कर लूं। तो जैसे मैंने इसको साफ करने का शुरू किया, तुरंत वहां के जो इंचार्ज थे मुझे बोले, खबरदार इसको हाथ लगाया दो, यहां तुम रहने के लिए आए हो इसके लिए नहीं। हमने कहा देखो मैं साफ सफाई कर रहा हूं, मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूं, क्लीन हो जाएगा अच्छा होगा, डोंट टीच मी, आई नो व्हाट इज व्हाट, आई हैव नो चॉइस। अब उसके बाद ध्यान के लिए बैठा हूं, मंत्र शुरू हो गया, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यही तो हमने हमेशा सीखा है। और हम केवल साफ करना चाहते, पैसे थोड़ी मांग रहे, लेकिन क्यों नहीं करने देते? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, हम तो केवल साफ करना चाहते हैं, पैसे थोड़ी मांग रहे, लेकिन क्यों नहीं करने देते? त्र्यंबकम् यजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुको निबंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतान्। त्र्यंबकम् यजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हम तो केवल साफ करना चाहते, पैसे थोड़ी मांग रहे, लेकिन कर थोड़ी देते हैं। त्र्यंबकम् यजाम है सुगंधिम, ये मैं तमाशा करता रहा 6 महीने तक, और एक दिन भगवान की कृपा से क्लिक हो गया। अटैचमेंट माने क्या? किसी भी वस्तु को लेकर के दुराग्रह होना, उसको अटैचमेंट कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह मालूम है कौन सा है? ये शनि मंगल बुध गुरु ये नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है दुराग्रह। हम इतने जिद्दी होते हैं, हर चीज चाहते हैं अपने कहने के अनुसार करें, नहीं, ये दुनिया प्रभु की इच्छा से चल रही है। और जितना ये दुराग्रह कम होगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा। बच्चों को लोग परेशान क्यों होते हैं? बड़े दुराग्रही रहते हैं, अच्छा करना वैसा करना चाहिए। आपने सुना अपने माँ बाप का, वो भी तुम्हारा ऐसे ही होने वाला है, देखो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती और इसी के कारण दुखी होते हैं, और कुछ नहीं है। इसीलिए भैया साधना कपिल महर्षि के अनुसार यही है कि हम प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जावे, आंखों से देखे लेकिन कहीं फंसे नहीं, कानों से सुने लेकिन कहीं फंसे नहीं, मन से अनुभव करे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित न होवे। प्रकाशक बन के रहो, प्रभावित मत होवो, यही साधना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।